हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी को हिंदी एनसीईआरटी को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे नीट में अपन बायो में अच्छा स्कोर कर सके। काफी लेसन अपन यहाँ से देख चुके हैं, काफी चैप्टर्स अपन देख रहे हैं देख चुके हैं। और जो अपना करंट चैप्टर चल रहा है वो है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन यूनिट है 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, उसका लास्ट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन छोटा सा पढ़ना देख लिया था, और आज के सेशन में अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। इजी है चैप्टर, में पहले ही आपको बता चुका हूँ इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा जब मैं एक्सप्लेन करूँ। तो स्टार्ट अपन करें, उससे पहले आप लोग एनसीईआरटी है तो उसे एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, स्टार्ट अपन करते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्य नीतियां। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जननिक स्वास्थ्य से संबंधित है, और उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए सरकार ने या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कौन कौन सी कार्य नीतियां बनाई है, वो इस टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले कार्यक्रमों की शुरुआत की, कार्य योजनाओं की, तो वो था इंडिया। इन कार्यक्रमों को क्या बोला गया? परिवार नियोजन बोला गया। अब इसे परिवार कल्याण बोलते हैं, तो दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन कभी भी चेंज कर सकता है। ये परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कौन से देश ने स्टार्ट की थी और कब स्टार्ट की थी, तो 1951 में की थी। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दोनों जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन या परिवार कल्याण 1951 में शुरुआत हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? भारत द्वारा हुई थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर था। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया था, मतलब किस प्रकार के, क्या इनमें जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है, क्या कोई कमी रह गई है, तो वो सब मूल्यांकन किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH जो लिखा है के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में। तो RCH को इंग्लिश में जो लिखा है इसने, इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर, तो ये भी आप लिख सकते हैं, पूछ सकता है RCH की फुल फॉर्म के फॉर्म में कभी भी। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन शब्द इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन 1951 और RCH। श्रव्य तथा दृश्य ऑडियो विजुअल, जिसे आप सुन सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, और मुद्रित सामग्री प्रिंटेड जो होता है, ठीक है, कि आवश्यक की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सरकार और जो गैर सरकारी एनजीओ जिसे बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो ठीक है, विभिन्न उपाय में एक तो ऑडियो विजुअल आ गया। ऑडियो का मतलब क्या हो गया? रेडियो पर एड दे रहे हैं, ठीक है, या गली मोहल्ले में घूम रहा है। मुद्रित विजुअल का मतलब क्या हो गया? टीवी पे एड आ रहे हैं। मुद्रित का मतलब प्रिंटेड जो है पेपर में, न्यूज पेपर में आ रहा है, ठीक है, तो वो सब आता है इसके अंदर। उपरोक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जा रहा, तभी ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके, ठीक है। इसी इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा है। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचरित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधित जीवन बिताने में सहायक होती है।
ठीक है, तो जो किशोरावस्था है, जो एज है 13 से लेकर जो 18 या 20 साल की एज है, इसमें इन सब चीजों के बारे में उसे बताना चाहिए, जागरूक उसे करना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य मतलब 18 से जो 25 साल की उम्र के बीच के जो युवक युवतियां हैं, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक या गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर या पोस्टनेटल मतलब प्रसव के बाद में देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़की या लड़का को जो महत्व है सॉरी यहाँ से, एवं समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। ठीक है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक एज है जिसमें सब कुछ अगर क्लियर कर दिया जाए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। बुढ़ापे में जागरूक करेंगे तो क्या कोई मतलब नहीं है, छोटा बच्चा उसे जागरूक करेंगे 2-3 साल का तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने में विचार करें एवं आवश्यक कदम उठाए। तो जो स्वास्थ्य जननिक स्वास्थ्य में अपन ने क्या बोला था, बेप्स शब्द मैंने आपको बताया था, बिहेवियर इमोशनल फिजिकल सोशल। ठीक है, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, ई का मतलब इमोशनल का मतलब जो है भावना, पी फिजिकल का मतलब शारीरिक, एस का मतलब सोशल का मतलब सामाजिक। तो स्वस्थ समाज तैयार अपन करेंगे। जन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना किस किस की आवश्यकता होती है। ठीक है, संरचनात्मक सुविधा होनी चाहिए, व्यावसायिक विशेषज्ञता और भरपूर भौतिक सहारे होने चाहिए। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सहगर्भता, प्रसव, यौन संचरित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, महामारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं, संबंधी समस्याओं, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप बता सकते हो, कुछ समस्या ऐसा नहीं है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्य नीति को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या के कानूनी रोक के लिए उल्लंघन या एमनियोसेंटेसिस जिसे बोलते हैं, लिंग जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल परीक्षण आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया था। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी बकवास है, ये कहना क्या चाह रहा है वेधन के बारे में क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस की जो बात कर रहा है, एमनियोसेंटेसिस जो होता है एक प्रकार का टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी में किया जाता है। पहले के टाइम में इसे यूज में लिया जाता था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण की जो अपन बात करते हैं मेल है या फीमेल है उसके लिए, लेकिन उसका मिस यूज होने लग गया। अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसका अबोर्शन करवा दिया जाता था। ठीक है, क्लियर है, तो उसे बैन कर दिया गया। लेकिन साथ साथ में जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें कुछ फ्लूड होता है, उस टेस्ट में फ्लूड होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम में मादा के अंदर होता है, उस फ्लूड से अपन जो आनुवांशिक विकार है, कोई बीमारी वगैरह है, उसका अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य में, जैसे मैंने बताया था, जो फ्लूड होता है, द्रव्य होता है, वो कौन सा था, एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों वे विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में विकासशील जो भ्रूण है उसमें उसका कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, पैतृक से जो प्रोजेनी है, माता पिता से जो बच्चे में आ रही है वो, जैसे डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में अपन आनुवांशिक में पढ़ेंगे डिटेल से, दिक्कत वाली बात नहीं, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, हीमोफीलिया भी पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ेंगे आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस लिखा है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार इसे आप लोग कर लीजिएगा, ये पूछा गया और पूछ सकता है वापस से। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधि तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की थी? तो CDRI एनसीईआरटी की साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में,
और उसने एक गर्भ निरोधक दवा बनाई है जिसका नाम क्या है, सहेली है। ठीक है, फीमेल इसे यूज में लेती है, इसीलिए इसे फीमेल की सहेली के नाम से ही सहेली नाम दे दिया गया। और इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाले जो टॉपिक आ गया उसके अंदर, किसके अंदर कौन कौन से केमिकल होता है, रसायन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो अभी आपको इतना सा ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी वाला एक जगह पर नहीं देता है, तभी तो समझ में नहीं आती। इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक में दिया इसने, और यहाँ पर भी दिया ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक में नहीं दिया इसने। ठीक है, यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, जागरूक हुए हैं लोग बाग। ठीक है, चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पर बढ़ी है, पहले के टाइम में पहले गाँव में चिकित्सा सुविधा नहीं थी, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। और प्रसवोत्तर का मतलब प्रसव होने के बाद में जो शिशु है और जो माता उसकी जो देखभाल की जाती है अच्छे से, इसीलिए मृत्यु दर में क्या ये गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी, छोटे छोटे परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी यौन संचरित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचरित रोग है, सही से उसकी जांच पड़ताल अपन कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में क्या चिकित्सा सुविधाएं भी बड़ी है, और बड़ी है तो अपन जो बेहतर जननिक स्वास्थ्य वाला समाज है उसकी ओर अपन अग्रसर है। क्लियर है? तो ये यहां पर ये क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है फर्स्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक में जब अपन मिलेंगे जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, किस प्रकार से उसे बढ़ने से अपन रोक सकते हैं, वो सारा सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है, मैं एक साथ नहीं पढ़ाता क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ नहीं देख पाते हैं। अगर मैं 2 घंटे का लेसन बनाऊं, ठीक है, तो कुछ बच्चों के पास इतना डेटा ही नहीं होता, कुछ के पास फोन ही नहीं होता इतना अवेलेबल, और ठीक है किसी को हो सकता है कि एक टॉपिक में दिक्कत है, वो पूरा देखना ही नहीं चाह रहा। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाता हूँ, लेसन बनाता हूँ, सिंगल शूट नहीं बनाता हूँ। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।